गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक और नए प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, और इस व्लॉग में पूरा धमाका देखने को मिलेगा क्योंकि हमें खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। मगर एक अच्छी खबर है, एक बैड न्यूज है। अब बैड न्यूज क्या है वो हम आपको बताएंगे बाद में, मगर पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। और हमारे लिए अच्छी न्यूज कुछ ये है कि हमारी व्हाइट वाली स्वीटी ने भाई किटन्स डिलीवर किए हैं लिटरली। अब बैड न्यूज क्या है इसमें, एंड बाय द वे बैड न्यूज को करेंगे हम बाद में रिवील, क्योंकि पहले अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं। किटन्स देखते हैं कि किटन्स हमारी स्वीटी के कैसे हैं, हेल्थी हैं, क्या है। आज लिटरली हम रात को सो रहे थे और कल हम सो रहे थे, सोते सोते हमने जैसे उठ के देखा, मतलब मॉर्निंग हमारी हुई तो मैं सबसे पहले कैट के रूम में जाता हूँ। मैंने देखा और भाई लिटरली कैट ने हमारी जैसे ही किटन्स डिलीवर किए, मैंने मुस्कान को इशारा किया, मैंने जाकर देखो क्या सीन है भाई। उसने जाकर देखा तो भाई हमें बड़ा सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज चलते हैं देखने, चलो एसी कूलर देते हैं, चलो ऐसे ही आराम से लेटे वहां रूम के अंदर। क्या बात है भाई, दो मतलब तीन किटन्स से सीन क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इसका रास्ता ऐसे करके सेपरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सही है ना, ये अलग रहेंगे तीनों और वो अलग रहेंगे। देखो वो पड़े किटन, मगर ब्लैक हैं यार, ब्लैक हैं, मगर देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत। देखो कितने आराम से लेटी हमारी स्वीटी, एक टाइम को लेके आए थे बेचारी को, छोटी सी थी खुद, अब बड़ी होके इसने किटन डिलीवर कर दी। देखो यार ये तो लिटरली बहुत खूबसूरत है, एक तो पूरा ब्लैक है और दूसरा देखो कैसे हल्की हल्की शेड से पड़ रहे हैं व्हाइट व्हाइट, और देखो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। अभी एक मैजिक दिखाऊंगा आपको, कैसे घबरा रही है, कैसे घबरा रही जाती है, मतलब ये सोच रही है कि मेरे किटन्स को ढाके ना ले जाए मेरे बच्चे को। देखो एक सीन दिखाता हूँ, देखो और वो ये है, ये देखो मैंने इसका उठा लिया, देखो देख रही है मेरा कहाँ लेके जा रहा है मेरे बच्चे को, कितना प्यारा है यार, देखना छोटा सा कितना अच्छा लग रहा है। अभी ना अभी इसकी देखो आंखें भी नहीं खुली, उसको देखो उसको प्रोटेक्ट कर लिया उसने कि वो ना उठा के ले जाए, मतलब ना यार कितना प्यारा लग रहा है यार, छोटा सा किटन देख तो लो, अभी आंखें नहीं खुली है इनकी। ओ वाओ वाओ, मतलब ये पूरा ब्लैक है ये वाला, लो आराम से देखो ये भी उठा कर, देख रही है, खड़ी हो गई, मेरे किटन्स को कहाँ लेके जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं तरसाएंगे। देखो यार ये तो बहुत खूबसूरत है यार, ये वाला देखना और खूबसूरत होगी, जब मॉर्निंग में दिए थे जब ऐसा लग रहा था अजीब अजीब सा, मगर अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पे जो वाइट वाइट से शेड्स पड़ रहे हैं ना, ये बड़े होके और खूबसूरत लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वाह यार ऑसम, इसका फेस देखो कितना प्यारा है, देखना अब आ रहा है, नहीं आ रहा फोकस में, कितना प्यारा लग रहा है यार, आंखें नहीं खोली अभी इन्होंने, आंखें खोलेंगे 3 से 4 दिन के बाद, मगर अभी देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो देखो चलने की कोशिश कर रहा है, उसके पास जा रहा है, लो स्वीटी लो अपने बच्चे को, लो पांक पांक लो, देख रही है यार, के लिए मेरे पास बिठा दो, और इनने तो पंजे गड़ा दिए छोटे छोटे से पंजे यार, बिल्कुल क्यूट क्यूट से लग रहा है, उठा के प्रोटेक्ट कर दो। मेली माइशू को कहा हो गया, मेला बच्चा पड़ा हुआ है, कहा हुआ माइशू, माइशू तुम्हारे छोटे छोटे से किटन्स आए दो प्यारे प्यारे, तुम बड़ी हो जाओगी फिर देखोगी, वाओ इनमें सारे किटन्स, आराम से ले जाओ भी आ रहा है ना, चल के देखते हैं भाई, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ ये सब देखने के लिए यार। देखो देखो कैसे कैसे फीड कर रहा है, वाह। मगर यार ये एक बात बताओ मुझे, ये इतनी तो वाइट है और ये दो कैसे हो गए काले सिया, पता नहीं काम मुंह काला कर रहा है, एक तो लो यार, देखो 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 कैसे अपने आप को बिल्कुल मतलब लिटा लिया इसने कि अच्छी तरीके से मेरे बच्चे फीड कर सके। वाह भाई वाह, मजेदार भाई, इनको कोई फिक्र नहीं है, तो देखो खाने में लगे, गिरा गिरा के ऐसे खाते हैं, वो आराम से वहां पड़ा है, ये वहां और वो वहां अंदर घुसी है। एंड अब मैं बताता हूं कि बैड न्यूज क्या है, हमारी स्वीटी ने 3 किटन्स डिलीवर किए थे, सबसे पहला किटन जो कि अब इस दुनिया में नहीं है वो मर चुका है, वो था प्योर व्हाइट किटन भाई, लिटरली ना अब पहला किटन तक क्या कर सकते हैं, एक जगह हमें 2 किटन्स देखने की खुशी, और पहली ओर हमें वो वाला किटन्स मरने का मतलब ये के होता है ना कि एक अफसोस होता है कि हाँ यार 3 बच्चे थे उसमें से एक मर गया, मतलब वो पहला ही बच्चा डिलीवर किया था और फिर उसके बाद से जो 2 बच्चे डिलीवर किए वो जिंदा है, बहरहाल काफी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल है हर तरह से। और हमारी स्वीटी जो माँ बनने के काबिल भी नहीं थी, मगर फिलहाल देखो अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रही है यार, ना लिटरली बिल्कुल इतना सा लेके आए थे तो खुद इतनी शैतानियां करती थी, मगर आज देखो अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है, होती है भाई माँ की ममता। और देखो अभी भी लेटी हुई है, अपने बच्चों को आराम से फीड कराने में व्यस्त, मतलब ये जगह छोड़ नहीं रही है, अगर हम इसके किटन्स को हाथ भी लगा रहे हैं ना तो देख रही है यार, और ये भी अगर वहां पर जा रहा है ना तो इनको जान नहीं दे रही है भैया, प्रोटेक्ट कर रही है पूरी तरह से, भगा रही है हाथ मार के, हट हट जा यहाँ से, क्योंकि ये गई थी नहीं सॉरी वो वाली गई थी, उसको वहां से उसने यूं हाथ मार के बाहर भगा दिया भाई, लिटरली वो तो घबरा को तब जाने का नाम भी नहीं ले रही है, रुकना यार मैं जाके देखता हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा क्लोज अप से, देखो यार बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे तो, मेरा मन कर रहा है इनको हाथ लगाता रहूं ऐसे ऐसे करके, देखो अब इनकी आंखें भी नहीं, देखो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है यार, देखो
देखो हाथ लगा रही है, मतलब कि छुओ नहीं। हाँ अभी देखो फीड कर रहा है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा इनको, मगर कितने प्यारे तरीके से फिलहाल दो ही हैं यार। अगर वो एक जिंदा रहता ना तो आज तीसरा भी लगा होता यहाँ पर, और वो तो प्योर व्हाइट था बिल्कुल। अभी यार बेचारा वही व्हाइट वाला मर गया, अब क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले ने जिसकी जिंदगी दी है उसको रखा, देखो 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 कोशिश करते हैं। उठाओ। मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मगर देखो कैसे कैसे लेट के बिल्कुल कंफर्टेबल लेटी हुए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इतने प्यारे तरीके से स्वीटी ने मेरी दो किटन्स डिलीवर किए, तीन किए थे, अब दो बचे यार बेचारी के। इनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है पूरी तरह से, तो इसको खाना वाना बहुत अच्छी तरीके से देना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको फीड कराने में। और इसकी समझदारी कुछ ऐसे थी कि हम तो रात में सो गए थे, और जब ये किटन्स डिलीवर करते हैं उस टाइम में इनको हवा का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जो कि मेरे पीछे चल रहा सामने मतलब कूलर। तो इसने क्या सीन किया, इसने सबसे पहले ना वहां पर एक किटन डिलीवर किया था व्हाइट वाला जो मर गया था, इससे वो वाली जगह कंफर्टेबल नहीं लगी तो यहाँ पर भाग के आई तेज। और इसने क्या किया, चालाकी से जैसा कैसा करके इसने ये गेट बंद कर दिया ताकि मुझे हवा ना आए, और देखो बिल्कुल आराम से यहाँ पर आके लेट गई। इसने यहाँ पे दो किटन डिलीवर कर दिए। फिर हमने क्या करा, इस पे ना ब्लैंकेट बिछा दिया ताकि बच्चों को इसके कोई भी दिक्कत ना आए। तो फिलहाल तो अभी कुछ इस तरीके से हमने इसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दी है, अभी जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे हमारे कुछ करने में या जो भी है कोई कमी आ रही है तो हमें नीचे कमेंट में लिख के बताना, वो हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे थोड़ा बहुत अच्छे से। क्यों, फर्स्ट टाइम है अभी तो। वो भी देगी ब्लैक वाली, और वो वाली भी देगी, वो छोटी सी जो बैठी है देखो, देखो वो दोनों उसमें टाइम है। अब ओके लेटी है बिल्कुल, ये चाहती है मैं इसके पास में बैठा रहूं, और इसके ना सिर पे ऐसे 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 करता रहूं, उसको बहुत सुकून मिलता है। मगर मैं इतना लंबे टाइम तक यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि यार मुझे काम करना होता, बस ये प्रॉब्लम है। और बाहर है ना मैं इनको जान करके नहीं छोड़ता यार, बिकॉज है ना इनके बाल बाल बहुत टूटते हैं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ टाइम के बाद 35-40 दिन जब तक इनकी फीडिंग चलेगी तब तक तो मैं इसको कुछ हाथ नहीं लगाने वाला, उसके बाद से मैं इसको पूरा प्रॉपरली ग्रूमिंग करा के लेके आऊंगा, इसके बाल बाल कटवाऊंगा, नेल कट करवाऊंगा, अच्छे से नहलाना धुलाना सब बाहर कर देते हैं, मतलब वो अपने आप ही। हम तो क्या ही करेंगे, वो अपने आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो इससे बढ़िया है भाई पैसे दे के बाहर करा लो, हमारी स्वीटी मस्त हो जाएगी। इसके बाल भी छोटे छोटे करा लेंगे ना, है बाकी इन दोनों की तो कराने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ना इसकी ना उसकी, उनके छोटे हैं। सबसे बड़े बाल देखो यार कितने बड़े बाल हैं, ट्रिपल कोट में ना बिकॉज ही देखो कितने बड़े बड़े बाल हो रखे हैं भाई, और देखो यहाँ तक नीचे पूरे बाल आ रखे हैं, और बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही है इसके फीड में, ढूंढना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये आगे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अभी इसकी ग्रूमिंग करवाएंगे अच्छी तरीके से, और इसे काफी देर हो चुकी है और अभी तक देखो कैसे फीड करने में बिजी है। और मैं भी इनको इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि फीड अगर ये कर लें तो मैं इनको हाथ में उठा के देखूं, बिकॉज ऐसा ठीक नहीं ना, कोई अगर हमें खाते हुए उठा दे तो हमें भी खैर बुरा लगता है, तो इसलिए अभी रहने देते हैं। स्वीटी तुझे इतना सा लेके आया था बेटे मैं, बिल्कुल छोटी चीज तू खेलने वाली, और अब देख ले तूने किटन भी डिलीवर कर दी, और तुझे एक साल के करीब ही हो गया पूरा हमारे पास रहते हुए। बाय द वे उसको और इसको इनको 8 महीने हो गए दोनों को, और वो अभी आई है हमारे पास लास्ट मंथ से। मगर यार देख तो लो कितने प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे किटन्स ना बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा शैतानियां करते हैं। अभी तो इनकी आंखें नहीं खुली, जब इनकी आंखें खुलेंगी तो ये और ज्यादा भाई शैतानियां करेंगे। मैक्सी, अरे मैक्सी तू मामू बन गया, मैक्सी मामू बन गया, चाचा बन गया, क्या बन गया तू, आप बन गया यार, देख 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 तेरे वो पड़े हैं भतीजे भांजे, देख के आए वो, देख ले जाके देख ले, तेरे को तो पास भटकने भी नहीं दे रही वो, अरे कैसे घूम गई है, देख यार गिर गए, क्या कर रही है यार। बेटा बच्चों का तो ध्यान रख ले अपना, देखियो जरा कैसे कैसे बेचारे। तू स्वीटी ऐसा मत किया कर, देखियो बेचारे छोटे छोटे से लगे पड़े हैं तेरे से, और तू ना घूम रही है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना यार, बहुत प्यारा लग रहा है, देखो छोटा छोटा सा यार आंखें नहीं खुल रही है लिटरली, और इसकी आंखें देखो कैसी व्हाइट है, बड़े होने के बाद है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, जब इसकी आंखें खुल जाएंगी काफी मस्त लगेगा, देखो व्हाइट व्हाइट से शेड से जो पड़ रहा है ना काफी अच्छे, देखो, देखो 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 उसको देखो कैसे देख रही है। बेटे मैं लेके जा रहा हूँ तेरा बच्चा, एक तो है चलो ये लिया तेरा बच्चा, आ यार मुझे बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर। और भाई मैंने इसको हाथ में लिया हुआ ना तो काफी उतावली उतावली सी हो रही है कि बस मेरे बच्चे को छोड़ दो किसी भी तरीके से, देखो यार है ना बिल्कुल मस्त है, मजा आ गया देखने में यार, मजा आ गया। मगर एक का दुख भी है कि यार एक किटन इसका नहीं रहा, अगर वो भी होता ना तो मजा आता, तीन तीन छोटे छोटे से पंजे जैसे नील्स हैं इसके यार। ये वाला है देखो सेकंड वाला, ये ना ये पूरा पूरा ब्लैक है बिल्कुल पूरा, इसमें कोई व्हाइट शेड कुछ भी नहीं है, मगर ये भी बड़ा होने के बाद काफी अच्छा लगेगा, देख रहे हो आंखें भी नहीं खुल रही है इसकी भी, दोनों की अभी आंखें खुली नहीं है। मैक्स तेरा भांजा आ गया, देख तेरे पास तेरा भांजा आ गया, देख ये रहा ले अपने भांजे को,
पांक पांक। ले बेटे इनको फीडिंग करा ले तो ठीक से। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है यार, पागल हो गई है। लेट जा आराम से, देखियो बेचारे उल्टे सीधे तोड़ रहे तेरे बच्चे। रुक जा, ब्लैंकेट ठीक करूंगा तेरा। चल इनको जल्दी से अपने पास में बैठा ले यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे हाथ रखती है, मतलब कोई ना छुए नहीं मेरे बच्चों को, तो जब मैं खाना पीना दूंगा मस्त वाला। देखो 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 कैसे फीड कर रहा है यार, बालों से ना काफी प्रॉब्लम हो रहा है इनको फीड करने में। अभी आराम से ना फीड करते रहेंगे, जब ये थक जाएंगे ना, जब इनसे पिया नहीं जाएगा तो यहाँ आराम से बैठ जाएंगे और ये भी थोड़ा सा इधर उधर रन कर लेगी, घूम लेगी। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई देखने के बाद। और अब मिठाई विठाई बंटवा दें यार, क्या करें यार, मतलब मजा आ गया देखने में। बाहर निकलते हैं यहाँ से, देखो ऐसा करके फैलाना पड़ रहा है मुझे। तो फिलहाल ऐसा होता है कि कभी हमारे लिए खुशखबरी के दिन होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज मिल जाती है, मगर हम ज्यादा मूड खराब नहीं करते, अपना अच्छा मूड रखते हैं। देखो मूड हमेशा हर टाइम अच्छा रखना चाहिए, फिलहाल तो अच्छा मूड हो गया देखने के बाद छोटे छोटे से किटन्स। और अभी तकरीबन इनका 40 दिन 45 दिन तक फीड रहेगा जो भी चलेगा। वो तो इसने जो डिलीवर किए हैं रात के टाइम किए, बिकॉज 4 बजे तक तो मैं जाग रहा था। इसने 4 बजे के बाद 11 बजे से पहले, मतलब 4 से 11 के बीच में इसने अपने किटन्स को डिलीवर किया है। फिर मैं 11 बजे के करीब जैसे मैं उठा तो मैंने वहां ना नेट लगी है, मैंने बाहर से देख लिया, मैंने कहा यार इसने तो किटन्स दे रखे हैं। फिर मैंने मुस्कान को जल्दी से बोला, मैंने कहा यहाँ पर आके देखो। मुस्कान ने जैसे ही आके देखा तो यहाँ पर लिटरली ना किटन्स, और मैं आया भाई दौड़ा देखा। व्लॉग तो खैर मैं शाम में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज जब है ना बहुत छोटे थे तो मुझे इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देनी थी, फिर इनका अरेंजमेंट पूरी तरीके से करना था ताकि इसको हवा ना लगे। इसकी मैंने कूलर की फ्लो भी ऊपर कर दी ताकि थोड़ी सी हवा ऊपर ऐसा करके मेंटेन रहे। और आज मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ना ये फीड भी नहीं कर रहे थे, इनको अच्छी तरीके से मैंने फीड भी करवाया, मतलब सीटी को कंफर्टेबल तरीके से लेटाया। अब तो खैर वो सीख गई है, तो इसलिए अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से फीड करा पा रही है। चलते हैं बाहर। अब बार बार है ना बीच बीच में ऐसे करके 2-3 घंटे के गैप में यहाँ पर लगातार आकर देखना पड़ रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर तरह हर चीज मतलब सही सही चल रही है। और ये ध्यान हमें तब तक रखना पड़ेगा जब तक इनका पूरी तरीके से अपना मतलब पैरों पे खड़े नहीं जाते, बिकॉज ना अभी ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे हैं, आंख भी नहीं खुली अभी इनकी, और आंख खुलेगी 3 से 4 दिन के बाद में। अगर जो भी कोई कमी रह रही हो हमारी तरफ से तो वही कमेंट करके बता देना हमारे को, क्योंकि हमें पता नहीं है फर्स्ट टाइम हमारा भी। तो हालांकि अभी हमारे सारे काम कंप्लीट हुए नहीं है, हमारे काम अभी तक बहुत सारे बाकी हैं। रहने दो, क्यों लात मार रही हो खामखा यार बिना वजह। तो तुमने पैर बीच में किया हुआ था इसलिए हट जाओ, ब्लॉग नहीं बनाने दूंगी कि मतलब क्या है यार। रहने दो, देखो ब्लॉग बंद करके फिर देख लो, पिटाई लगा दो, हट जाओ ना यार। तो चढ़ा तो चढ़ा, मतलब तुम बीच में तुमने पैर किया हुआ था ना, चढ़ गया मैं इसीलिए। नहीं तो फिलहाल अभी हमारे बहुत सारे काम बाकी हैं, प्लांट्स भी लगने हैं, हट जाओ यार। ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अच्छा बताओ किटन्स कैसे लगे तुम्हें? किटन्स अच्छे लगे ना, बढ़िया है ना, छोटे छोटे पूरी उंगली टूट जाएगी, उंगली तो छोड़ दो, मैं अभी तो बोलूंगा, जब तो बोलूंगा पहले छोड़ो, भी तभी तो बोलूंगा, पहले छोड़ो टूट जाएंगी उंगलियां, छोड़ दो पहले, छोड़ो पहले, छोड़ो फिर बोलो, पहले छोड़ो, पहले छोड़ो। चढ़े तुम मेरे पैर पे, दिख रहा था ना मेरा पैर, लगता है आगे नहीं, अबे आगे नहीं यार, चलो छोड़ो, बोल तो रहा हूँ, सॉरी, चलो 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 चलो, ज्यादा ही होशियारी, उंगलियां भी टूट जाएंगी। तो फिलहाल अभी का सीन ये है, अभी बहुत सारे मेरे काम बाकी हैं, कल मेरे प्लांट्स भी लगने हैं, तो वो आपको कल वाले ब्लॉग के अंदर ही देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल यार देखो काटने वाटने की नहीं है, हट जाओ यार, बोल दूंगा रुक जाओ। SORRY SORRY सा सा पे बड़ों की मात्रा, RR पे बड़ी की मात्रा, SORRY चढ़ जाओ, कितना कुचल दो मेरा पैर, कुचल दो यार, रहन दो ना, काटो वाटो नहीं यार, हट जाओ यार, काटने की नहीं है, ब्लॉग बनाने दो, ब्लॉग एंड कर दूंगा। तो बोल तो दिया SORRY SORRY तुम सॉरी बोलो, उल्टा मुझे उंगलियां घुमा दी मेरी, तुम सॉरी बोलो। मैंने देखा नहीं था, देखा नहीं था, फिर तुमने दोबारा मेरा पैर दबाया, क्यों दबाया तुमने मेरा, अब मेरा हाथ है। चलो हिसाब बराबर मार देना, बढ़ जाओ बेटे, याद रखना मेरी बात। तो फिलहाल अभी मेरे बहुत सारे काम, ये तो यार फिर बदतमीजी
अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, प्लांट्स लगाएंगे कल मस्त मस्त वाले। फिलहाल इस वाले व्लॉग की करते हैं यहीं पर समाप्ति। ये छोटा सा व्लॉग था जो आपको अपडेट देना था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई जब हमारी स्वीटी ने किटन्स डिलीवर किए। तो बिकॉज इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना होगा और जो भी कमी होगी हमको पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल करते हैं वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। बहुत लंबा हुआ हमारा ज्ञान, बहुत लंबा भाषण, बहुत सारी बातें, तो बस करते हैं वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। Thank you.